मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो मोस्टली स्पीकिंग में जरूरत होती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। स्पीकिंग में मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप किसी एक एक कॉमन वर्ड का यूज करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने इससे रिलेटेड कम से कम 5-6 वर्ड लेके आया हूं जो आपकी इंग्लिश को डेकोरेटिव, इंप्रेसिव और अफेक्टिव बनाएगा। तो दोस्तों, समझते हैं कि वो हमारा ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव, इंप्रेसिव और अफेक्टिव बनाता है। तो देखते हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि स्पीकिंग, अपनी स्पोकन को, अपने कन्वर्सेशन को ज्यादा इंप्रेसिव और अफेक्टिव बनाने के लिए आप उसमें एडियम्स का यूज करें, प्रोवर्ब्स का यूज करें, फ्रेजेस का यूज करें, लेकिन बिना प्रैक्टिस के सारा यूज करेंगे तो आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। यू विल बिकम अ फिगर ऑफ फन, यू विल बिकम अ लॉफिंग स्टॉक। सो फर्स्ट प्रैक्टिस, आफ्टर दैट यू जस्ट यूज देम। तो दोस्तों, चालू करते हैं, देखते हैं कि उसका इस्तेमाल कैसा होगा और वो कौन कौन से वर्ड है, उसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, सारी बातें मैं आपको समझाता हूं और सेंटेंस मेकिंग में उसको कहां रखेंगे, उसकी बनावट क्या होगी, देखते हैं। तो हम लोग स्पीकिंग करते समय मोस्टली कहते हैं कि दुविधा में, मैं दुविधा में हूं। दुविधा में का मतलब, हम इसको अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो इसका मतलब होगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन द पोजिशन इन विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। एक ऐसी स्थिति जहां पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इन कंफ्यूज सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं, दुविधा में हमें समझ में नहीं आता कि वो काम करें या ना करें, कि उसको छोड़ दें। तो इस सिचुएशन को हम हिंदी में दुविधा में कहते हैं और इंग्लिश में उसको कई नामों से जानते हैं, तो एक एक हम लोग समझते हैं। तो पहला लिखा हुआ एट सी। एट सी का मतलब समुद्र पर भी होता है, समुद्र के आसपास भी होता है, लेकिन यहां पर दुविधा में के अर्थ में हम लोग ले रहे हैं। और इडियम्स का जो मीनिंग है वो कई बार वर्ड के अलग हो जाता है, ये मैंने आपसे कहा है कि उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो एट सी दुविधा में, यस, समुद्र पर तो होता ही है। उसके अलावा जैसे हमको इसका सेंटेंस बनाना है तो ये बनेगा आई फील एट सी विथ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ मुझे एट सी फील होता है। तो मैं बड़े दुविधा में रहता हूं, समझ में नहीं आता कि प्राइस कब बढ़ जाते हैं, कब कम हो जाते हैं और बढ़ने का कारण क्या रहता है। कभी कभी बैंक में, बैंक का जो रेट इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो सिचुएशन होती है, वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुविधा वाली बात होती है। तो आई फील एट सी विथ इकोनॉमिक्स। या नेक्स्ट, आई वॉज एट सी वेन शी सेड, क्या लिखा है समझ आई, क्या लिखा है, आई लव यू। जब उसने मुझे आई लव यू कहा तो मैं बड़ा दुविधा में था, मैं समझ नहीं पाया था कि मुझ जैसे निकम्मे और मुझ जैसे नाकाम आदमी को वो आई लव यू कैसे कह रही है। आई वॉज एट सी, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कह दिया होगा उसने, पता नहीं क्या जवाब दिया, मुझे पता नहीं है, आप लोग सोच लेना क्या जवाब दिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर टू, इन अ डिलेमा। इन अ डिलेमा ये बड़ा कॉमन वर्ड है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं, आप भी शायद करते होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने नए नए वर्ड लेकर आया हूं। दुविधा में वही बात, न्यू रूल्स थ्रू मी इन अ डिलेमा, नए नियम ने मुझे डिलेमा में डाल दिया, दुविधा में डाल दिया। न्यू रूल्स थ्रू मी इन अ डिलेमा, थ्रो का सेकंड फॉर्म, आई एम इन अ डिलेमा व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। मैं दुविधा में हूं, क्या करूं कि क्या ना करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। टेंथ क्लास के बाद हम बहुत ज्यादा दुविधा में रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता मैथ्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें, कुछ समझ में नहीं आता, बायो साइंस लें। तो आई एम इन अ डिलेमा या आई वॉज इन अ डिलेमा, आपको जो भी कहना है, एज पर द रूल, एज पर द टेंसेस आप उसे चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि इन अ डिलेमा यूज करना है, एट सी यूज करना है कि क्या यूज करना है। नंबर तीन में आ जाते हैं, इन अ फिक्स, इसका मतलब ही वही है दुविधा में। द गवर्नमेंट इज इन अ फिक्स ओवर डियरनेस, सरकार जो है महंगाई पर दुविधा में है, महंगाई को कम करने की कोशिश करती है, बहुत सारे नियम लगाती है, ऐसे सख्त नियम भी लगाती है, इसके बावजूद भी महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं लेती है। तो गवर्नमेंट इज इन अ फिक्स इन अ डिलेमा एट सी ओवर डियरनेस, हम कह सकते हैं, को भी यूज कर सकते हैं। सिट ऑन द फेंस, बिल्कुल नया वर्ड आपके लिए, सिट ऑन द फेंस। फेंस का मतलब होता है बाड़, जो खेतों में जो मेड़ लगाई जाती है, बाड़ लगाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं फेंस। यानी सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है कि वो बाड़ पर बैठा है और सोच रहा है कि मैं कूदूं इस साइड की न कूदूं। आम, जैसे आम के बाग में गया है वो, अब वो सोच रहा है कि मैं आम तोड़ने जाता हूं, मैं आम को तोड़ के ले आता हूं, तो ही सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस, और सोच रहा है कि जाके कूद के तोड़ के ले आऊं या ना जाऊं, जाऊंगा तो शायद माली मेरे को पकड़ लेगा, जाऊं या ना जाऊं,
तो इसका ओरिजिन शायद वहां से निकला होगा. सिट ऑन द फेंस, वो फेंस पर बैठा है, सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, दुविधा में है वो. मैं जाऊंगा तो शायद माली मुझे पकड़ लेगा, हो सकता ना पकड़े, इस प्रकार की बातें वो सोच रहा है. तो सिट ऑन द फेंस ये एक वर्ब है, इसको वर्ब में यूज कर सकते हैं. आई वॉज सिटिंग ऑन द फेंस, मैं दुविधा में था. यस, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मैं समझ ना सका कि क्या करें क्या ना करें, इसलिए आई वॉज सिटिंग ऑन द फेंस, इसलिए मैं फेंस पर बैठा हुआ था. इसका सेंस निकल रहा है. उसके बाद मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं जिसका मैंने इसका सेंटेंस मेकिंग नहीं किया है. मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका सेंटेंस मेकिंग करके बताएंगे. एक एक इन अ पिकल, पिकल यानी तो वैसे अचार होता है, लेकिन इन अ पिकल यहां पर भी दुविधा में होगा. इन अ स्पॉट, स्पॉट यानी धब्बा होता है, इन अ स्पॉट का मतलब ये होगा दुविधा में. इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है दुविधा में. तो ये कुछ नए वर्ड थे हमारे सामने जिसको हम लोग दुविधा में बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्पीकिंग करेंगे तो इन अ डिलेमा के अलावा आप लोग एट सी, सिट ऑन द फेंस, इन अ फिक्स, इन अ पिकल, इन अ स्पॉट, इन अ टाइट कॉर्नर, ये सारे वर्ड का आप यूज करना, जो काफी इंप्रेशन दे सकते हैं आपको इंग्लिश को. बट लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करना, उसके बाद ये सारे यूज करना है, नहीं तो तुम्हें पता ही कि क्या हो जाएगा. तो दोस्तों कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दिए हैं, उसको आप फिल करके बताएं जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है. आप करें कोशिश और इसका जो जवाब है मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा, मैं चेक करूंगा आपके आंसर को, उसके बाद मैं इसका जवाब दूंगा. तो देखते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स क्या है. तो पहला है आईसा डैश मैन, ड्रंक मैन, ड्रंकन मैन, बताना है. ये दोनों थर्ड फॉर्म है, ड्रंक जो है वो भी थर्ड फॉर्म है, ड्रंकन भी थर्ड फॉर्म है. ही हैज डैश अ ग्लास ऑफ लिकर, इसी में से फिल करना है, ड्रंक आएगा या ड्रंकन आएगा बताना है. द डैश आइस लुक्स ब्यूटीफुल, मेल्टेड आइस या मोल्टन आइस, ये भी आपको बताना. दोनों पिघलना के थर्ड फॉर्म होते हैं. द आइस हैज डैश हियर, ये चार फिल इन द ब्लैंक से इसका आपको जवाब देना है. मैं इसका वेट करूंगा, आपके कमेंट बॉक्स को चेक करूंगा और जो भी मिस्टेक्स होगी मैं उसे इंप्रूव करूंगा. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा, बहुत ज्ञानवर्धक है. स्पीकिंग में खास करके इसका यूज किया जाता है. कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के वर्ड्स आ जाते हैं, इडियम्स के बारे में, प्रोवर्ब्स के बारे में आ जाते हैं. तो हमें यह सब जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नॉर्मल स्पीकिंग तो हर कोई कर लेता है, क्यों ना थोड़ा सा उसको डेकोरेटिव बनाएं, क्यों ना उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करें. तो इसी क्रम में मैंने आज ये टॉपिक लेके आया था आपके सामने. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें. और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ और नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट्स के साथ. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद.